हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 41वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट बेटा, हमने आपको आरएनएस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट और आज हम आपको एसिड तथा बेस के रेस्पेक्ट में अर्थात अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित करने वाला तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस की संरचना या सॉरी लुईस की संकल्पना या लुईस की परिकल्पना, यही से लुईस थ्योरी भी कहते हैं बेटा, लुईस थ्योरी। तो आज ये एसिड बेस के रेस्पेक्ट में तीसरी थ्योरी आपकी, देखते हैं जरा लुईस एसिड बेस को एक्सप्लेन करने वाली ये थ्योरी क्या कहती है। बेटा इस थ्योरी ने जनरली जितनी भी अब तक थ्योरी हमने पढ़ी, सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा अम्ल तथा क्षारों को परिभाषित किया है, यानी कि सबसे ज्यादा अम्ल तथा क्षारों को अलग अलग कर सकते हैं इस थ्योरी के अनुसार। हम कुछ हद तक ये थ्योरी सबसे अच्छी, सबसे एडवांस थ्योरी मानी जाती है लुईस थ्योरी। यह थ्योरी यह बताती है बेटा, कोई भी बह पदार्थ जो लोन पेयर हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बह पदार्थ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एसिड कहलाते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, लोन पेयर डोनर बेस, खत्म। अर्थात वे पदार्थ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एसिड कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेस कहलाते हैं। अर्थात लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड और लोन पेयर डोनर बेस। तो देखो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, दिस थ्योरी वॉज given by Lewis in 1923 में दी गई थी बेटा ये थ्योरी। According to this theory, according to this theory, एसिड्स क्या होंगे, दोज सब्सटेंसेस बे पदार्थ विच दोज सब्सटेंसेस विच विच एक्सेप्ट विच एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन called acids, वे पदार्थ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एसिड कहलाते हैं। अब कहें हम बेस, दोज सब्सटेंसेस विच डोनेट, दो सब्सटेंसेस विच डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कॉमा आर कॉल्ड बेसिस। समझे बेटा, बे पदार्थ जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेस कहलाते हैं, और बे पदार्थ जो लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा,
देखिए बेटा, ये है एग्जाम्पल NH3 है अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यह BF3 और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है BF3 में बोरोन का। तो क्या होता है? होता यह है कि यह लोन पेयर अपना बोरोन को दे देता है इस तरह से, ये N है ये क्या है, इनने लोन पे डोनेट किया है, तो ये क्या है बेस इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू लुइस। लुइस के अनुसार देखिए आप, ये क्या है बेस हुआ और ये क्या है एसिड हुआ, ठीक है, क्योंकि ये लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिंपल हो गया। अब देखते हैं बेटा एक हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बेटा हम ये कह सकते हैं एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर, या ये कहो उल्टा स्टार्ट कर लो बेटा, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर्स एसिड कहलाते हैं और लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर्स क्या कहते हैं कहलाते हैं, सॉरी बेसिस कहलाते, खत्म हो गया। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर्स एसिड्स, लोन पेयर डोनर्स बेसिस, खत्म। अब बेटा इस थ्योरी ने एसिड्स तथा बेसिस को क्लासिफाई किया है, इसीलिए ये थ्योरी सबसे एडवांस थ्योरी मानी जाती है। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लुइस एसिड्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेटा इन्होंने किया है ऐसे मॉलिक्यूल्स हैविंग ना मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इन मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट अर्थात बेटा ऐसे ऐसे अणु, हिंदी समझने, ऐसे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसकी वैलेंस शेल में बेटा, और ऐसे मॉलिक्यूल जितने भी है बेटा वो सभी क्या है लुइस एसिड होते हैं, वो सभी क्या है लुइस
एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लो बेटा, BeCl2 ये कौन एसिड बताता? ना तो आरेनियस बता पाते कि ये एसिड है, ना ही ब्रोंस्टेड लोरी बता पाते कि ये एसिड है, क्योंकि आरेनियस जल में घोलने पर एच आयन दबा रहे थे और ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटॉन डोनेट करवा रहे थे एसिडों से, लेकिन यहाँ पे तो प्रोटॉन है ही नहीं। तो बेटा इस थ्योरी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया देखो। और BF3 AlCl3 ETC हो गया। अब दिखा दें आपको, ये बेरिलियम है, दो क्लोरीन है, तो यहां पे बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बेरिलियम चार होता है एटॉमिक नंबर, तो 2-2 बैलेंस में दो इलेक्ट्रॉन थे, दो इसके साथ मिलके चार करे, तो अभी भी चार इलेक्ट्रॉन की क्या इसे आवश्यकता है, तो ये क्या करना चाहेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, और एक्सेप्ट करने वाले तो एसिड कहलाएंगे, इसलिए इसमें एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा सभी में, सही है। अब देखिए आप, पहले प्रकार के ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, वो सभी क्या होते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, लुईस अम्ल। दूसरा भी अभी इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है दूसरे प्रकार के, अब लुईस एसिड का क्लासिफिकेशन चल रहा था, दूसरे थे ये वाले एसिड्स, ऑल सिंपल कैटायंस, जितने भी सभी कैटायन होते हैं, कैटायन का मतलब बेटा जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज है वो सभी एसिड्स होते हैं, आर लुईस एसिड्स। जितने भी सिंपल कैटायन होंगे सभी लुईस एसिड होंगे, चाहे वो एजी हो, चाहे वो ओजी, मतलब चाहे एजी चाहे ओजी मतलब एचजी, कोई भी बेटा सिंपल कैटायन हो, कोई भी सिंपल कैटायन हो, सभी क्या है, ये लुईस एसिड है, सभी क्या है बेटा, लुईस एसिड है, क्योंकि प्लस चार्ज है। सोच लीजिए, कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, इनके पास है पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या करना चाहेंगे, आप इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना चाहेंगे, और इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड तो क्या कहलाते थे, एसिड। तीसरे भी होते हैं बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऐसे मॉलिक्यूल बेटा जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो सभी क्या होते हैं, लुईस एसिड, आर लुईस एसिड्स, सभी लुईस एसिड्स होते हैं बेटा। एग्जांपल देख लें आप, SiF4 SnCl4 PCl3 SF4 हो गया। ये सभी बेटा ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे SN10, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर, ये सभी सेंट्रल एटम है, इन सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होगा, इसलिए ये सभी क्या है, लुईस एसिड है। वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब है खाली डी ऑर्बिटल है, और एक डी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब ये भी लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेंगे, अपने डी ऑर्बिटलों को भरना चाहेंगे, है ना।
तो ये भी लुइस एसिड की तरह ट्रीट करेंगे, सिंपल है बेटा, ठीक है। चौथा क्लासिफिकेशन, अब देखिए चौथा क्लासिफिकेशन है ऐसे है, चौथा क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल्स बेटा विच हैव मल्टीपल, विच हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन, मॉलिक्यूल्स विच हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऐसे मॉलिक्यूल बेटा जिनमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है, अंतर होता है। मतलब हम कहें CO2, यहां पे देखिए आप कार्बन और ऑक्सीजन, ये सभी क्या होते हैं, ये भी सभी होते हैं आर लुइस एसिड्स, हो गया। जैसे CO2 है बेटा, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के दो परमाणु हैं, ठीक। दोनों परमाणुओं के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब मोर देन वन बॉन्ड, तो बिटवीन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब ऐसे एटम भी होने चाहिए जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये जैसा है लुइस एसिड का, CO2, SO2, SO3, ETC, ये सभी एग्जाम्पल है इस प्रकार के, हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ लुइस एसिड्स को देखा, लुइस एसिड्स को लुइस ने चार क्लासों में क्लासिफाई किया है, ठीक है, वो हमने सभी पढ़ लिए। अब क्लासिफिकेशन आप देखते हैं लुइस बेसिस, तो नाउ योर हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ लुइस बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ लुइस बेसिस, ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ लुइस बेसिस अर्थात लुइस क्षारों का वर्गीकरण। पहले जैसे वहां पर सभी सिंपल कैटायन अम्ल थे, तो यहां पर सभी सिंपल एनायन क्या होंगे, बेस होंगे, तो ऑल सिंपल एनायंस, ऑल सिंपल एनायंस आर लुइस बेसिस। एक क्लास ये बांट दिया, जितने भी दुनिया में सभी एनायन दिखेंगे आपको निगेटिव चार्ज वाले, सब भैया लुइस बेसिस होंगे। क्यों, निगेटिव चार्ज आने का मतलब है बेटा उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो मैं लेना चाहूंगा या देना, तो मैं लोन पे इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करना चाहूंगा, और लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो इनमें क्या हो जाएंगे, ये लुइस बेसिस कहलाएंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, CH3CO, ठीक है, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ETC, सभी पे नेगेटिव चार्ज था, सभी लुइस बेसिस थे। दूसरा क्लासिफिकेशन, ऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, आर
लुइस बेसिस। ऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लुइस बेसिस, मतलब सभी उदासीन अणु, सभी न्यूट्रल अणु, सभी उदासीन अणु जिनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल NH3 H2O CO है, ये सभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहां पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे, लुइस बेसिस। ठीक है, तो ये था बेटा लुइस बेसिस आपके। तो लुइस बेसिस को केवल दो क्लासों में क्लासिफाई किया है, नेगेटिव चार्ज वाले और न्यूट्रल, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो लोन पे इलेक्ट्रॉन हो, जिनमें लोन पे इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब आती है बात बेटा लिमिटेशन की, इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन तो लिमिटेशंस कमियां तो जरूर आई, तभी चौथा आपका थ्योरी या आपका कॉन्सेप्ट आया होगा। इस थ्योरी में भी कुछ कमियां थी, लेकिन इसने बहुत हद तक बेटा क्या कर दिया, देखो आपने देखा मैंने पहले बताया था ये थ्योरी सबसे ज्यादा एडवांस मानी जाती है अब तक की सभी थ्योरी में, दोनों से आरएनएस से भी और ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी से भी। ठीक है, और इवन तो आगे जो आने वाली है उनसे भी मुझे सबसे अच्छी लगती है ये लुइस कॉन्सेप्ट, लुइस थ्योरी। इसने बहुत सारे हम लोग को क्लासिफाई कर करके देखो बताया, बेसिस को भी कई प्रकार से बता दिया, और किसी थ्योरी ने ऐसे नहीं बताया। ठीक है, अच्छा इसकी भी कमी क्या रह गई, कमी इसकी यही रह गई बेटा, हम एसिड बेस पहचान तो लेंगे लेकिन कौन सा एसिड कितना प्रबल है कितना दुर्बल है ये नहीं बताया इस थ्योरी ने, स्ट्रेंथ नहीं बताया, शक्ति नहीं बताई, क्षमता नहीं बताई। तो दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन या कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस, अम्ल तथा क्षार की शक्ति के बारे में यह हमें कुछ नहीं बताती है कि ये वाला अम्ल इस वाले अम्ल से ज्यादा प्रबल होगा या कम प्रबल होगा। तो ये थी बेटा इसकी मेजर लिमिटेशन। और ये थ्योरी यह भी नहीं बता पाई बेटा कि साल्ट फॉर्मेशन एसिड तथा बेस से संबंधित रिलेटेड है या नहीं, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट साल्ट फॉर्मेशन इज रिलेटेड फ्रॉम एसिड बेस रिएक्शन और नॉट, ये थ्योरी ये भी नहीं बता पाई बेटा। ठीक है, तो ये थी इसकी दो लिमिटेशंस जो हमने आपको ओरली बता दी, आप लिख लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।